एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी यहीं से। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे हम लोगों ने। उसका 4 साल तक 19, 20, 21, 22 तक उसका फॉलोअप हुआ, लेकिन 23 में क्या गड़बड़ियाँ हुई, क्या क्या चीज़ का जो रिकमेंडेशन का फॉलो नहीं हुआ, वो पहले जानना ज़रूरी है। तो रानो अभी बेसिकली 30 तारीख 30 मार्च को थी। तो बिहार में एक ट्रेडिशन सा रहा है कि जो रामनवमी का जो जुलूस निकलता है वो रामनवमी के दिन नहीं निकलता, रामनवमी के नेक्स्ट डे निकलता है, यानी 31 तारीख को, और 31 तारीख फ्राइडे था। लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से एक बिहार शरीफ में ख़ास तौर से एक पीस कमेटी बुलाई गई थी 26 मार्च को, जिसमें वहाँ के कई अन्य लोग, वार्ड मेंबर, एक्स वार्ड मेंबर, टीचर्स, जो वहाँ के नामे जामे लोग, उन्होंने पार्टिसिपेट उन्होंने उसको अटेंड किया था। और वहाँ पर कुछ चीज़ें तय की गई थी। उसमें जो बेसिक पहले चीज़ ये तय किया था रूट क्या रहेगा। तो बिहार शरीफ में जो रूट था बेसिकली वो तय ये था कि श्रम कल्याण मैदान से शुरू होगा और बाबा बनी राम अखाड़ा पे ख़त्म हो जाए। ये बेसिकली 4.5 किलोमीटर का पूरा रूट है, और इस ये रूट बेसिकली जाता है आपका गगन दीवान, हॉस्पिटल मोड़, भराव मोड़, कांटा पर, अशोकरा कॉलेज मोड़, और जाके ख़त्म हो जाता है बाबा बनी राम अखाड़ा पे। दूसरी चीज़ में ये है कि इसमें कितना क्राउड रहेगा। तो जो ऑर्गेनाइजर थे, जो जो उसके बजरंग दल के लोग जो इस शोभा यात्रा को निकाल रहे थे, उन्होंने कहा था कि 5,000 का क्राउड रहेगा। तीसरी चीज़ में ये हुई थी कि डीजे, तो इसमें ये तय किया गया था कि कोई भी डीजे सॉन्ग्स कोई प्ले नहीं किया जाएगा, कोई भी स्वॉर्ड इस तरह कोई भी हथियार गन्स वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चौथी चीज़ ये हुई थी, जो पूरा जो रूट है 4.5 किलोमीटर का, उस पर हर पॉइंट पे, हर सेंसिटिव पॉइंट पे, जगह जगह पे पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। खासतौर से जो प्रॉपर्टीज़ है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हाउस होल्ड्स हैं, उस पर पुलिस वाले खड़े रहेंगे, तैनात किए रहेंगे, और पूरे रूट को बैरिकेड किया जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है, जो जो रिकमेंडेशन उसमें दिए गए थे, जो जो जिन जिन बातों पर तय किया गया था, उन सबका कोई भी ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि जब नेक्स्ट डे जब जब 31 तारीख को जब रैली निकलती है, शोभा यात्रा निकली जाती है श्रम कल्याण मैदान से, जुमे के बाद यानी अराउंड 2:30, 3 o'clock पे, तो उसमें पहली चीज़ तो उसमें है कि उसमें 60,000 लोग उससे पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अटेंड करते हैं। कहाँ 5,000 का फिगर दिया गया था, और लेकिन 60,000 लोग टर्न ओवर होते हैं उस पूरे प्रोसेशन शोभा यात्रा में। इनफैक्ट यही जो फिगर है, ये वहाँ की आम जनता का फिगर नहीं, यह वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी बताया है कि 60,000 लोगों ने इन टोटल पार्टिसिपेट किया इन अराउंड। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से जब रैली निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन जैसे ही रैली निकलती है डीजे का सॉन्ग्स हाई वॉल्यूम प्ले किया जाता है, काफ़ी बड़े बड़े साउंड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स, कम्युनल सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, जिसका हमने मेंशन किया अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में, कौन कौन से सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत होती है कुछ ही देर बाद, यानी 1.5-2 किलोमीटर के बाद शोभा यात्रा जो है वहाँ पे एक मुरारपुर चौक है, वहाँ पर जाके रुक जाती है। वहाँ ये क्या होता है, वहाँ पे जो है एक रास्ता राइट हैंड साइड चला जा रहा है नाला पर, वहाँ से कुछ क्राउड अराउंड 1,000 के आसपास वो नाला पर रोड पे डाइवर्ट हो जाता है, और उस रोड पे 1 किलोमीटर की रोड पे 3 प्रॉपर्टीज़ पे अटैक होता है। पहला एक है शूज़ का शोरूम, शूज़ का एक शोरूम है, दूसरा जो आपका जो मदरसा अजीजिया है, और तीसरा एंड में जाकर के डिजिटल दुनिया के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा शोरूम है, तीन तीन मंजिला काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शोरूम है। तीनों जगह अटैक होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो होता है मदरसा अजीजिया में। उसमें सारी किताबें, आपके जितने रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स थे जो कि काफ़ी पुराने, 100 साल से ज़्यादा पुराने थे, जो टेक्स टेक्स जो लिटरेचर था वहाँ का, वो सब उन्होंने आग के हवाले कर दिया जाता है। पेट्रोल बम का काफ़ी इस्तेमाल होता है यहाँ पे, लेकिन डिजिटल दुनिया में पेट्रोल बम का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसको आगजनी के हवाले नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ लूट मार होती है। जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, आईफोन, सैमसंग के गैलेक्सी फोन्स, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, कूलर्स, एसीज, जो भी वो जो मॉब था, अनरूली मॉब था, जो उसको लूट सकता था वो तो वहाँ लूटते हैं। इसके बीच में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो ओनर थे, उन्होंने काफ़ी मदद मांगने की कोशिश की, लोकल पुलिस से मांगा, उन्हें कॉल किया, उन्हें डीजीपी ऑफिस कॉल किया, सीपी चीफ मिनिस्टर ऑफिस कॉल किया, लेकिन कोई हेल्प वहाँ से मिलती नहीं है।
और उसके बाद फिर जो है क्राउड जो है नोली अराउंड 1000 के आसपास वो वापस अपने रूट पे आता है और वो सीधे जाता है वो गगन दीवान की तरफ। तो गगन दीवान की तरफ वहाँ पे भी दो प्रॉपर्टीज जो हैं उस पर, दो तीन प्रॉपर्टीज पर अटैक होता है। एक है एशियन होटल, एक है वहाँ पे शाही मस्जिद, और एक जो है वो आपका सिटी पैलेस है। इन तीनों जगह पे आगजनी, लूटमार और आपका स्टोन पेल्टिंग सब चीज़ें होती हैं, मतलब कि काफ़ी नुकसान वो लोग करते हैं जितना वो कर सकते हैं। अराउंड अगर होटल्स की बात की जाए सिटी पैलेस के, अराउंड 50-60 लाख का नुकसान वो लोग होता है उनका। और वही हाल एशियन होटल का भी है। शाही मस्जिद में भी जो वहाँ जो गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, क्योंकि असर का टाइम हो चुका था वहाँ पे, असर के पास लोग सब अपने घर की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, वो सारी गाड़ियों को वो लोग आग लगा देते हैं। और स्टोन पेल्टिंग होती है, पत्थरबाजी बकायदा होती है, शीशे वगैरह सब फेंके आते हैं। इसमें एक चीज़ देखने की ये है कि जब जो वहाँ के जो स्थानीय लोग एविटनेस ये बताया, गगन दीवान चौक पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे जो है 3 CCTV कैमरास लगे हुए हैं। तो लोग आईविटनेस ने ये बताया कि शोभा यात्रा यानी रामनवमी से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले सीसीटीवी कैमरास वहाँ से निकाल लिए जाते हैं, वहाँ से हटा दिए जाते हैं किसी अननोन पर्सन के द्वारा। ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सीसीटीवी कैमरा हटाया वहाँ से। नतीजा उसका नतीजा ये होता है जो अनरूली मॉब पूरा वहाँ से निकलता है आकबा बा मदीरा अखाड़े तक, जो लोग उस पर वायलेंस करते हैं वो लोग सीसीटीवी कैमरा के आने से बच जाते हैं। यानी उनका जो भी लोग वहाँ वायलेंस कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे उसमें कहने की वहाँ सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। नतीजा प्रशासन को पता चल ही नहीं पाता है, बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो ये बहुत मुश्किल होगा निकालना कि कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे जिन लोगों ने वहाँ वायलेंस किया। तो इस पूरे भ्याशिव की वायलेंस अगर चीज़ में देखेंगे आप, तो उससे बिजनेस सेंटर्स पे वो लोग टारगेट करते हैं बेसिकली, किसी भी इंडिविजुअल हाउसेस को वो टारगेट नहीं करते। जबकि उस पूरे 4.5 किलोमीटर के रास्ते में मुसलमानों के घर भी हैं, काफ़ी बड़ी घनी आबादी भी है, लेकिन प्राइम टारगेट जिनका होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बिजनेस सेंटर्स। जैसे आपका सिटी पैलेस है, आपका डिजिटल दुनिया है, आपका शोरूम्स है, उन सब पर अटैक होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला भी उसका सेंटर भी, इसमें कई सारी 6-7 बसेस वो लोग आग लगा देते हैं, उस सारे सारे वो लोग टारगेट करते हैं। बिहाशी जहाँ लोग ससाराम गए उसके बाद, तो ससाराम यही सिलसिला था जो वहाँ पे तो कोई पीस कमेटी के बारे में लोगों ने नहीं बताया कि प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था या पुलिस के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेडिशनल से एक रूट चला आ रहा है। तो लेकिन तो उसमें ये होता है कि जो जो शोभा यात्रा वहाँ से निकलती है, जब वो निकलती है तो उस रूट पे तो रहती है, लेकिन उस रूट पे जो आबादियाँ हैं, रेजिडेंशियल पैलेस है वहाँ पे जो मुसलमानों के जो घर हैं उस पर वो अटैक करते हुए निकलते हैं। तो वहाँ ससाराम में फर्स्ट और भ्याशी फ़र्क ये है कि इस भ्याशी में से बिजनेस सेंटर्स पर अटैक किया जाता है, लेकिन ससाराम में ऐसा नहीं, ससाराम में रेजिडेंशियल पैलेस पर अटैक किया जाता है। इंडिविजुअल्स के जो घर होते हैं वहाँ आग लगाना, लूट मार हो गया, जो वहाँ के जो स्थानीय घर उनके जहेज के सामान लूटना, उनके कैश लूटना, उनके ऑर्नामेंट्स लूटना, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी सब है, बर्तन लूटना, इस सब काम वहाँ वहाँ काम होता है। अगर आप देखें पूरे पूरे इस इंसिडेंट को, अगर प्रशासन का रोल देखें खासतौर से ससाराम में प्रशासन की शुरू दिन से कोशिश रही है कि ग्राउंड पे कोई रिपोर्टिंग ना हो। जो हमारा वर्जन है, जो प्रशासन का जब प्रेस रिलीज हो रहा है वही जो है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट जब उनसे मिले उन्होंने भी बताया हम लोग को, पूरा प्रेशर क्रिएट किया होता है प्रशासन के द्वारा, कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो, जो हम प्रेस रिलीज कर रहे हैं वही पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। बिहारशरीफ में ऐसा नहीं हुआ, बिहारशरीफ में फ़र्क था। बिहारशरीफ के अंदर जो है उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है, आपको ज़्यादातर पूरे वायलेंस की खबरें आपको बिहारशरीफ से मिलेंगी, अदीसिया के पास से, सोगरा कॉलेज के पास से, लेकिन सासाराम में ऐसा नहीं है। सासाराम में आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं मिलेंगी, और आपको एक ही जगह की ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलती है जो कि 48 आवर्स के बाद, यानी फ्राइडे में वायलेंस होता है 31 मार्च को, 48 आवर्स के बाद वहाँ पे एक घर पे जो है एक पेट्रोल पम्प फेंका जाता है, वहाँ पे एक हिंसा होती है, उसकी आपको एक छोटे सा आपको एक न्यूज़ कवरेज मिलेगा, बाकी आपको मेन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं मिलती है जहाँ पर जाकर वो
विक्टिम से मिलें और उनकी स्टोरीज वहाँ कवर करें। तो ये सब वहाँ के फैक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। अभी तक जो है वहाँ पे कोई भी कंपनसेशन दोनों तरफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देने का ऐलान नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया। और इस पूरे इंसिडेंट में अभी 20 FIR रजिस्टर्ड हुई, जिसमें 15 FIRs जो है वो ब्याशीफ में, 5 FIRs जो है वो ससाराम के, और 1 FIR जो है EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स ने FIR रजिस्टर्ड की है। ब्याशीफ के अंदर जो है इन टोटल जो अराउंड 25-30 लोग अरेस्ट हुए हैं, इसमें जो मेन मास्टर माइंड जो बजरंग का लीडर था, जो ऑर्गेनाइजर था, वो उसकी अरेस्टिंग हुई है। लेकिन ससाराम में जो है इन टोटल 75 लोग अरेस्ट हुए हैं। दोनों तरफ ही कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जो जिन लोग मेन जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उन लोगों के अभी तक अरेस्टिंग का पता पता नहीं है। तो ये फिलहाल जो है ये बिहाशी और ससाराम का एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि आगे सालों रखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।